नरेंद्र सिंह तोमर से विश्वासघात झेल चुके पूर्व दस्यु मलखान सिंह ने घोषणा की है कि वे उत्तर प्रदेश की धौरहरा लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे और उन्होंने इसके लिए अपना फॉर्म भी दाखिल करने की तैयारी कर ली है। कुल मिलाकर 25 वर्ष की उम्र में बन गए थे डकैत गिरोह सरगना मलखान सिंह। अब उनका यह भी कहना है कि पिछले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं ने मुझे चंबल क्षेत्र में स्टार प्रचारक बनाकर भेजा और मुझे पार्टी से टिकट देने का वादा भी किया था, लेकिन तोमर ने मेरे साथ विश्वासघात किया। कांग्रेस ने भी मुझे प्रचार के लिए बुलाया, लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की बात में आ गया। चंबल घाटी को नेताओं ने ही बदनाम किया है। आदमी मजबूरी में डकैत बनता है, हमने मजबूरी में बंदूक उठाई, लेकिन हमें चंबल में रहते ही पता चला कि नेता किस तरह से मजबूरों को बिना गुनाह के जेल भिजवा देते हैं। कुल मिलाकर उनका यह भी कहना है कि उन्होंने नरेंद्र सिंह तोमर को चुनाव जिताने के लिए जोरदार मेहनत की थी, लेकिन बाद में उनके साथ विश्वासघात किया गया। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।